हेलो दोस्तों, स्वागत है एक न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं अपने शहर का रेलवे स्टेशन। जी हां दोस्तों, आज मैं यहां पे घूमने आया था तो मैंने सोचा कि आप लोगों को यहां अपने शहर का रेलवे स्टेशन दिखा दूं। यहां पे अभी काफ़ी समय हो गया है जब से यहां पे जो है वर्क चल रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे पहले जो है छोटी गाड़ियाँ चला करती थी और यहाँ पे जो लाइट वाली गाड़ियाँ थी वो नहीं चला करती थी और ना ही यहाँ पे बड़ी गाड़ियाँ चला करती थी। तो दोस्तों यहाँ पे काफ़ी समय हो गया है, काम चल रहा है, बड़ी गाड़ियाँ अब चलने वाली हैं और लाइट भी फिटिंग हो चुकी है तो यहाँ पे अब लाइट वाली भी गाड़ियाँ चलेंगी। तो दोस्तों आप लोग जानना चाहेंगे कि मेरे शहर का नाम क्या है, तो दोस्तों मेरे शहर का नाम है बीसलपुर। तो बीसलपुर की जो स्टेशन है उसका अभी वर्क चल रहा है तो आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, तो बने रहें वीडियो के अंत तक। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को बीसलपुर का रेलवे स्टेशन जो वर्किंग पर है और जल्द ही चालू होने वाला है। तो दोस्तों अभी मैं ओवर ब्रिज के ऊपर खड़ा था तो वहीं से मैंने सोचा यहीं से वीडियो स्टार्ट कर दूं। तो अभी मैं ओवर ब्रिज पर ही खड़ा हूं, नीचे की तरफ जा रहा हूं तो वहीं से वीडियो शूट करने लगा। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो ओवर ब्रिज है वो सामने वाला दिखाई दे रहा है और इधर इस पर मैं खड़ा था और ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं ऊपर। अभी मैंने जो वीडियो शूट किया था तो ऊपर खड़े होकर बिल्कुल किया था वीडियो शूट। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। और दोस्तों यहाँ पे ये यात्रियों के बैठने के लिए बनाया गया है तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे और उधर आप लोग देख पा रहे होंगे एक क्रेन खड़ी हुई है, ये अभी यहाँ पर वर्क चल रहा है। उधर सामने बोर्ड लगा हुआ है और इधर ये है जो इधर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों में, दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। ये मेन प्लेटफार्म है, यहीं पर जो रेलवे स्टेशन मास्टर होते हैं वो यहाँ पर बैठेंगे, टिकट वगैरह भी यहीं से मिला करेंगे। अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे काम चल रहा है तो यहाँ पर कोई भी कर्मचारी नहीं है। और आप लोग ये देखिए मेन बोर्ड है ये बीसलपुर स्टेशन का और यहाँ पे पानी की व्यवस्था की गई है, टंकी उनकी लगी हुई है तो यहाँ पे पानी की व्यवस्था है। कुल मिलाकर यहाँ पे अब पहले से बहुत बेहतर लग रहा है, तभी मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा दिया जाए कि बीसलपुर भी स्टेशन अब अच्छी खासी बहुत ही बेहतरीन लगने लगी है। अभी तो फ़िलहाल वर्क ही चल रहा है और यहाँ पर पहले लाइट से ट्रेन नहीं चलती थी। वो सामने वाला जो मेन प्लेटफार्म है आप लोग देख पा रहे होंगे, उधर कोई अभी जा रहे हैं और यहाँ पे ये लाइट आइट की व्यवस्था की गई है, इस बार बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। तभी मैंने सोचा कि ये एक वीडियो क्रिएट कर दिया जाए और बीसलपुर का जो स्टेशन है वो फ़िलहाल जनवरी में चालू हो जाएगा ऐसा कह रहे हैं। यहाँ पर मैंने मालूम किया था तो कह रहे हैं कि जनवरी में चालू हो जाएगा। सामने आप लोग देख सकते हैं शौचालय बना हुआ है, अभी पास चल कर भी दिखाएँगे। और ये कुछ तार फार लगे हुए हैं, लाइनिंग वाइनिंग। तो दोस्तों यहाँ पे ये देखिए कुछ इस प्रकार से इसको लाइट फिटिंग की गई है, ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे पहले बड़ी गाड़ियाँ यहाँ पे पहले छोटी गाड़ियाँ चला करती थी लेकिन अब जो है बड़ी गाड़ियाँ चला करेंगी और लाइट वाली भी गाड़ियाँ चला करेंगी। दोस्तों देखिए अभी उधर काम चल रहा है, वो वहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ये मैंने जूम करके दिखाया है, ये काम चल रहा है अभी यहाँ पे। तो उधर अभी भी काम चल रहा है, कुछ बन रहा है और इधर तो फ़िलहाल स्टेशन का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था ये महिला शौचालय और पुरुष शौचालय, ये दोनों शौचालय यहाँ पर बने हुए हैं लेकिन अभी तो ताला पड़ा है फ़िलहाल, लेकिन बन के कम्प्लीट हो गए हैं यहाँ पे। तो इस बार बहुत ही रमणीक, मतलब बहुत ही बेहतरीन लग रहा है, आप लोगों देख पा रहे होंगे। और ये दोस्तों टिकट बांटने वाली ये यहाँ पे, यहाँ से आप लोगों को टिकट मिला करेंगे, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ से टिकट मिला करेंगे। तो ये सारा कुछ है, तो यहाँ पर ये ऑफिस है मेन जो है ये यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पे ये है जनरेटर कक्ष, आप लोग देख पा रहे हैं ये जो है जनरेटर कक्ष है, तो मैंने सोचा ये भी आप लोगों को दिखा दूँ कहाँ पर बना हुआ है। तो यहाँ पर ये
ये जो आप लोग पेड़ देख रहे हैं काफ़ी पुराना पेड़ है और वहीं पर ये जनरेटर कक्ष है, इसके अंदर जनरेटर रखा हुआ है। और दोस्तों अभी मैं आप लोगों को दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा कि यहाँ पर रेलवे स्टेशन को कितना बेहतरीन करके इस बार बनाया जा रहा है। यहाँ पे यात्रियों के बैठने के लिए कुछ यहाँ पे बना दिए गए हैं जो टीन सेट यहाँ पे डाल के, और इस बार पंखा भी लगा है, आप लोग देख पा रहे होंगे पंखा भी लगा है। यहाँ पे यात्री आराम से बैठेंगे और आराम से ट्रेन की जो इंतज़ार करेंगे। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने सारे नज़ारे देखे होंगे, देखने के बाद अब थोड़ा आराम कर रहे हैं यहाँ पर बैठे हुए। तो यहाँ पे यात्रियों के बैठने के लिए बनाया गया है सेट, तो यहीं पर मैंने सोचा थोड़ा सा बैठ के आराम कर लें, घूम घूम कर थक गए हैं। और इधर ये सारा कुछ मैंने अभी आप लोगों को दिखा ही दिया है स्टेशन जो है, क्योंकि अब स्टेशन जो है चालू होने वाली है, क्योंकि हो सकता है जनवरी में चालू हो जाए न्यू ईयर पर। यदि न्यू ईयर पे चालू होगी तो आप लोगों को यहाँ पे आकर और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि चालू हो चुकी है। तो दोस्तों अभी बैठे हुए हैं, अब जा रहे हैं अपनी शॉप पर। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा ब्लॉग? तो दोस्तों यदि हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि दोस्तों अब इस बार मैं जाने वाला हूं एक जंगल में जो आप लोगों को दिखाने वाला हूं, वहां पर बहुत ही अच्छी रमणीक जगह है। तो हमारे साथी हैं, उन्होंने बताया है कि वहां पर चलेंगे और वहां पर अच्छा कुछ है, तो वही हम आप लोगों को दिखाएँगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ।